हेलो फ्रेंड्स, टेली ERP 9 में आज हम वैल्यू एडेड टैक्स सीखेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स के लिए आपको सबसे पहले इस तरह की एक विंडो दी हुई है गेटवे ऑफ टैली की। हमें वेट अनेबल करना रहेगा, तो आपको जिस कंपनी पे वेट अनेबल करना है F1 की प्रेस करके आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी के नेम दिए जाएंगे। आपको जिस कंपनी को सिलेक्ट करना है कंपनी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप देख सकते हो वो कंपनी ओपन हो गई है। हमें वेट अनेबल करने के लिए स्क्रीन की राइट हैंड साइड में बॉटम में आपको F11 फीचर की दी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो कंपनी फीचर की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें सिचुएटरी एंड टैक्सेस उस पर एंटर करना है और हमें यहाँ से कंपनी नेम सिलेक्ट करना है। कंपनी नेम सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको सिचुएटरी एंड टैक्सेशन की एक विंडो ओपन करके दिखाएंगे, जिसमें हमें अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स ऑप्शन दिया है, जिसमें हमें यस करना है। और आपको सेकेंड ऑप्शन भी दिया हुआ है सेट अल्टर वेट डिटेल्स, उसे भी हमें यस करना है। यस करेंगे तो आपके सामने वेट डिटेल की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आपको दिया है स्टेट। लिस्ट ऑफ स्टेट में से हम सिलेक्ट करेंगे गुजरात। टाइप ऑफ डीलर में से हम सिलेक्ट करेंगे रेगुलर वेट एप्लीकेबल, और रेगुलर वेट एप्लीकेबल फ्रॉम में डेट डालेंगे हम 1 अप्रैल 2013। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ऑथोराइज्ड पर्सन नेम मिस्टर राम, डेजिग्नेशन मैनेजर, और प्लेस डाल रहे हैं हम गुजरात। एक्सेप्शन डिटेल भी आपको दी है, अगर आपको देनी है तो दे सकते हो, अदरवाइज उसको एज इट इज़ स्किप करके एक्सेप्ट करवा सकते हो। टैक्स इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हमें यहाँ पे दिया है वेट इन कंपोसाइट और वेट इन रेगुलर। अगर हमें यहाँ पे वेट इन रेगुलर सिलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पे नंबर दिया है तो हम वेट इन नंबर डालेंगे रेगुलर वाला, और अदर डिटेल आपको फिलअप करनी है तो फिलअप कीजिए, अदरवाइज उसको स्किप करके एक्सेप्ट करवा दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर उसको स्किप करके एक्सेप्ट करवा दिया। अभी हम एस्केप करके फ्रंट विंडो पे आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। अभी हम वेट के रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम XYZ लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे आपको दिया है कि हमने XYZ लिमिटेड कंपनी से दिए गए गुड परचेज किए हैं, उसमें आइटम क्वांटिटी रेट वेट इनपुट वेट टोटल इतनी आपको फील्ड्स दिए हैं। आइटम में हमने परचेस किया है कीबोर्ड, क्वांटिटी है 100, रेट है 300, वैल्यू है 30,000, इनपुट वेट 12.5% लगाना है, जो टोटल अमाउंट हो रही है 33,750। तो XYZ कंपनी है वो भी हमारा लेजर बनेगा, उसके बाद हम परचेस कर रहे हैं तो वो भी लेजर बनेगा और इनपुट वेट भी लेजर बनेगा। तो इस तरह से आपको लेजर एंड ग्रुप के नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें ये लेजर कंपलसरी बनाने रहेंगे और ग्रुप्स भी दिए हैं। फर्स्ट है XYZ लिमिटेड, परचेस एट द रेट 12.5%, इनपुट वेट 12.5%, क्योंकि वेट रेट आपको 12.5% दिया है। अभी हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में हम यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। क्रिएट लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई। अभी यहाँ पे हम XYZ लिमिटेड कंपनी डालेंगे, अंडर ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अंडर ग्रुप डालेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने उनसे परचेस किया है तो वो पार्टी नेम हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। और उसके बाद स्टेट में हम सिलेक्ट करेंगे गुजरात और यहाँ से हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे परचेस लेजर एट द रेट 12.5%, क्योंकि हमने जो एग्जांपल पढ़ा है उसमें 12.5% रेट लगाया है। अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट और वेट यूज्ड इन वेट रिटर्न्स में हमें यहाँ से यस करना रहेगा वेट एप्लीकेबल करने के लिए। यस करेंगे तो वेट टैक्स क्लासेस की एक विंडो ओपन करके दिखाएंगे, जिसमें से हमें परचेस एट द रेट 12.5% सिलेक्ट करना है और एक्सेप्ट करवा देनी है विंडो। अभी हम नेक्स्ट बनाएंगे इनपुट वेट एट द रेट 12.5%, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि वेट एप्लीकेबल करवा रहे हैं टैक्सेस के लिए। आपको यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स उसमें वेट सेलेक्ट करना है और लिस्ट ऑफ वेट सब टाइप्स में हम इनपुट वेट सेलेक्ट करेंगे।
इनपुट वेट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की वेट टैक्स क्लासेस की विंडो ओपन होगी, जिसमें से हमें इनपुट वेट 12.5% सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करें और राउंडिंग मेथड में हम यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे और हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेजर बनाने के लिए हमें सबसे पहले बाहर जाना रहेगा। इन्वेंटरी इन्फो में हम जाएंगे क्योंकि हमें अभी स्टॉक आइटम बनानी है। तो गेटवे ऑफ टैली में आपको मास्टर में इन्वेंटरी इन्फो है, जिसमें से हमें स्टॉक आइटम सेलेक्ट करनी है। स्टॉक आइटम में हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें हमने जो परचेस किया है कीबोर्ड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कीबोर्ड। अंडर ग्रुप हम ऑल्ट सी करके बनाएंगे। कीबोर्ड ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो हम इसको क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम डाल के ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक हमने यहाँ पे लिखा। कैलकुलेशन यानी कि यूनिट्स ऑफ मेजर में हम डालेंगे नंबर्स। फॉर्मल नेम आपको यहाँ पर डालना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मल नेम डाल रहे हैं। नंबर ऑफ पीसेस यानी कि नंबर ऑफ कीबोर्ड्स हमने जितने लिए हैं हम वो यहाँ पर डालेंगे और उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरह से हम उसको एक्सेप्ट करवा देते हैं स्टॉक आइटम को। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। अभी हमें इसकी ट्रांजेक्शन पास आउट करनी रहेगी, तो हम ट्रांजेक्शन यानी कि अकाउंटिंग वाउचर में आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में F9 यानी परचेस वाउचर दिया है वो ओपन करेंगे। इस तरह से परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 देंगे, डेट डालेंगे जिस डेट को परचेस किया है, पार्टी नेम XYZ लिमिटेड और परचेस लेजर 12.5%। कीबोर्ड जो हमने नेम ऑफ आइटम ली है वो क्वांटिटी 100, पर रेट 300। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इनपुट वेट का ऑप्शन दिखाएगा, वो अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो 3750 उन्होंने 12.5% के हिसाब से वेट कैलकुलेट करके दिखाया है। तो जो कीबोर्ड 100 क्वांटिटी 300 रेट पे 30,000 हो रहा है, उसके वेट निकल रहा है 3750। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको 33750 यानी वेट हो रहा है 3750 और टोटल अमाउंट हो रही है 33750। एक्सेप्ट करवा दीजिए। इस तरह से हमारी यहाँ पे परचेस की ट्रांजेक्शन फिनिश हो रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिए, सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू मिस्टर श्याम ट्रेडर्स। यहाँ पे आपको बताया गया है कि मिस्टर श्याम ट्रेडर्स उसको हमने गुड्स सोल्ड किए हैं। आइटम नेम है कीबोर्ड जो हमने परचेस किए थे 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 400। वैल्यू हो रही है 40,000 और इनपुट वेट 12.5 यानी जो एज इट इज़ हमने परचेस के टाइम पे लगाया था वो ही रहेगा। यहाँ पे आपको एक नोट दी है कि हमें ये जो ट्रांजेक्शन पास करनी है उससे पहले ये लेजर्स एंड ग्रुप्स बनाने रहेंगे। मिस्टर श्याम सेल्स एंड आउटपुट वेट, क्योंकि हम बेच रहे हैं गुड्स को तो वेट जा रहा है यानी कि सामने वाली पार्टी को वेट पे करना है। अभी हम टैली में सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे, तो मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो में लेजर पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक कीजिए। हम यहाँ पे पार्टी नेम बनाएंगे मिस्टर श्याम, अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स और हम इस विंडो को एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेजर बनाएंगे सेल्स एट द रेट 12.5%, अंडर ग्रुप सेल्स डालेंगे। यूज्ड वेट रिटर्न में हम यहाँ से यस करेंगे। उस पर यस करते ही आपके सामने इस तरह की वेट टैक्स क्लासेस की विंडो ओपन होगी, जिसमें से हमें सेल्स 12.5% सेलेक्ट करना है। अब इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे आउटपुट वेट एट द रेट 12.5%। जो हमने वेट अमाउंट डाली है 12.5% वो यहाँ डालेंगे अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में हम वेट सेलेक्ट करेंगे, सब टाइप में आउटपुट वेट सेलेक्ट करेंगे और अंडर ग्रुप यानी कि वेट टैक्स क्लासेस 12.5% आउटपुट वेट वो सेलेक्ट करेंगे। राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग लेके एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरह से हमने लेजर्स बना दिए। अभी हम एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ रहे हैं वापस। अभी हम ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे।
अकाउंटिंग वाउचर में अभी हमें सेल्स वाउचर में जाना है क्योंकि हमने कुछ सेल किए हैं। तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको F8 सेल्स वाउचर दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके सेल्स वाउचर ओपन कर सकते हो। मिस्टर श्याम जो पार्टी का नेम है वो नेम सिलेक्ट करेंगे। डिपॉजिट डिटेल आपको फिलअप करनी है, करिए, अदरवाइज ऐसे स्किप करिए। सेल्स लेजर में सेल्स सिलेक्ट करेंगे और वेट टेक्स्ट क्लासेस में ऑटोमेटिकली सेल्स। नेम ऑफ आइटम में कीबोर्ड क्वांटिटी 100 एट द रेट ऑफ 400, अमाउंट टोटल 40 आ रही है। आउटपुट वेट हम यहाँ पे लेंगे 12.5% यानी 5000। इस तरह से आप आउटपुट वेट कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे तो हमारी ये सेल्स की एंट्री हो गई। अभी हम इसकी सेटलमेंट एंट्री देखेंगे। आप देख सकते हो कीबोर्ड की हमने यहाँ पर 100 यानी 400 के रेट से यानी 45000 देखी थी। तो हम वेट पेबल सेटलमेंट एंट्री देखेंगे। आउटपुट वेट हमारा निकल रहा है 5000, इनपुट वेट हमारा निकला था 3750, यानी वेट पेबल अमाउंट निकल रही है 1250। तो हमें यहाँ पर लेजर बनाने रहेंगे एक वेट पेबल का, और थ्रू द बैंक हमने पेमेंट किया है तो हम यहाँ से बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। तो एस्केप करके हम सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में लेजर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे वेट पेबल, अंडर ग्रुप डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ से वेट, और ये नॉट एप्लीकेबल करके हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट एंट्री हम बनाएंगे बैंक के लिए, ICICI बैंक, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, और अभी हम इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करवा लेंगे। एस्केप करके अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में आ रहे हैं। सेटलमेंट ट्रांजैक्शन के लिए हमें एंट्री करनी रहेगी F7 जनरल वाउचर में। तो आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको F7 जनरल वाउचर दिया, उस पर क्लिक करके आप जनरल वाउचर ओपन कर सकते हो। डेबिट में हम डालेंगे आउटपुट वेट, करंट अवेलेबल बैलेंस में आपको दिखा रहे 5000, हम वही अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। क्रेडिट साइड में हम डालेंगे इनपुट वेट 12.5%, वो निकल रही है 3750, हम वो डाल देंगे। और क्रेडिट में आएगा वेट पेबल, तो वेट पेबल हम डालेंगे 1250। अभी हम इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है, जो वेट निकला है उसको पे करना है। तो वेट पेमेंट के लिए हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर यानी F5, उस पर वेट पेबल डेबिट साइड में डालेंगे, अमाउंट डालेंगे 1250, और क्रेडिट साइड में हम डालेंगे ICICI बैंक, थ्रू द बैंक हमने वेट पे किया है। इसके लिए चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर हम डालेंगे और उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरह से हमने वेट की एंट्री की पेमेंट की है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ही उसकी समरी दिखा रहे, टोटल सेलिंग प्राइस थी 45000, वेट पेबल हमारा निकला 1250 रुपये, टोटल परचेस कॉस्ट थी 33750, हमारा प्रॉफिट हो गया 10000 रुपीज़। तो इस तरह से हम वेट की एंट्री कर सकते हैं और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थैंक यू।